बुराई पर अच्छाई की जीत के संदेश देने वाला दशहरे का त्योहार बस महज दो दिन बाद है, जहां पर 8 अक्टूबर को देश भर में दशहरे का त्योहार रहेगा, तो वहीं अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में 8वीं तिथि को ये मनाया जाएगा। दशहरा पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। अगर दशहरे के दिन कुछ राशियों की बात की जाए तो दशहरे के दिन भाग्योदय ये दो राशियां रहेंगी, जिसमें से राशि मेष और राशि कर्क है। मेष राशि, इस राशि के जातक को किसी भी कार्य में सफलता मिलेगी, सारे रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। आपकी किस्मत को अधिक प्रलब बनाने के लिए आप इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, इसका आपको अधिक लाभ प्राप्त होगा। कर्क, कर्क राशि के लोगों को पैसे को लेकर बहुत बड़े लाभ हो सकते हैं। यदि अब तक आपका व्यापार ठीक नहीं चल रहा था तो अब चलने लगेगा। दशहरे के दिन नए कार्य को शुरुआत करने के लिए ये दिन बेहद ही ज्यादा शुभ माना जाता है। जमीन जायदाद खरीदने के लिए भी ये समय सुनहरा है। इस दौरान यदि आप कहीं पैसों का निवेश करना चाहते हैं तो आप जरूर कीजिए, आपको फायदा और लाभ होगा। आर्थिक लाभ होने की पूरी संभावना है। कहा यह जा रहा है कि दो राशियां मेष और कर्क पर महालक्ष्मी जी का वास रहेगा। दशहरे के दिन ये दो राशि के जातक अगर हनुमान चालीसा की पूजा और हनुमान चालीसा को पढ़ लेते हैं तो उनकी किस्मत के भाग्य खुल जाएंगे। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से नैन्सी की रिपोर्ट।